जैसे आपको पता है, होम मिनिस्ट्री स्टेट्स और यूटीज के साथ लॉकडाउन का एनफोर्समेंट करवा रही है, और आज प्रधानमंत्री जी ने भी चीफ मिनिस्टर्स के साथ इस पर डिटेल्ड में चर्चा की है। आज होम सेक्रेटरी ने सभी स्टेट्स और यूटीज को लिखा है कि वे लॉकडाउन के मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली इन लेटर एंड स्पिरिट करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 31 मार्च 2020 के आदेश में इस बात को एम्फसाइज किया है। लॉकडाउन मेजर्स का वायलेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और इंडियन पीनल कोड के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है, और इस कॉन्टेक्स्ट में होम सेक्रेटरी ने सभी स्टेट्स और यूटीज को लिखा है कि पब्लिक अथॉरिटीज और सिटीजन्स के बीच इन कानूनों के प्रावधानों को वाइडली सर्क्युलेट करें, जिससे कि हमारा लॉकडाउन इफेक्टिव हो। आपदा के समय सही जानकारी अति आवश्यक है। किसी प्रकार की रूमर मॉन्गरिंग या फेक न्यूज पैनिक क्रिएट कर सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार होम सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को रिक्वेस्ट किया था कि एक वेब पोर्टल क्रिएट किया जाए, जिसमें लोग कोविड संबंधित फैक्चुअल पोजिशन को वेरीफाई कर सके, कोई भी अनवेरीफाइड न्यूज है तो उसके बारे में भी अपने डाउट्स क्लियर कर सके। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक्सपेडिशियसली एक फैक्ट चेक यूनिट कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसे एक डायरेक्टर जनरल हेड करेंगे। लोग इस यूनिट में ईमेल द्वारा और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। इस की ईमेल आईडी आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी अवेयर, बट इट इज PIBFactCheck@gmail.com। होम सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को भी रिक्वेस्ट किया है कि वे एक ऐसा मैकेनिज्म स्टेट लेवल पे भी इस्टैब्लिश करें, जिससे कि स्टेट से रिलेटेड जो लोगों के डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व की जाए। आपको तबलीगी जमात वर्कर्स के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगी। स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर के होम मिनिस्ट्री ने एक मैसिव एफर्ट लॉन्च किया था, और टीजे वर्कर्स और उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स करीब 9,000 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और क्वारंटाइन में प्लेस किया गया है। इन 9,000 लोगों में से करीब 1,306 लोग फॉरेनर्स हैं और बाकी इंडियंस हैं, और इस पे संपूर्ण रूप से कार्रवाई चल रही है। जो लगभग टीजे मरकाज दिल्ली में करीब 2,000 टीजे वर्कर्स थे, जिसमें करीब लगभग 250 फॉरेनर्स थे, उनमें से 1,804 टीजे वर्कर्स को क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है, और जो 334 लोग सिम्टोमेटिक पाए गए थे उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन, आप सबकी दृष्टि में लाने के लिए, कल से आज तक 328 नए केसेस आए हैं और 29 स्टेट में कुल मिलाकर टोटल 1,965 कंफर्म केसेस पाए गए हैं। उसमें अगर हम देखें तो टोटल 50 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल से आज तक में 12 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पॉजिटिव न्यूज ये है कि अब तक 151 पीपल, 151 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। जैसे कि मेरे कुलीग ने आपको बताया, कल कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू तबलीगी जमात पार्टिसिपेंट्स की कंप्लीट इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और साथ ही वार फुट मेजर्स में कंटेनमेंट प्रोसेस के लिए कार्य करने के लिए उनसे सबसे कहा था। इस क्लस्टर से जुड़े हुए मामलों से का हमें पता लगा था तेलंगाना के थ्रू, और उसके बाद जब यहाँ के लोग डिफरेंट स्टेट्स में गए, जैसे कि अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश, तो वहां से जब केसेस की और डिटेल आई तो उसके तहत हम लोगों ने इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सैम्पलिंग का प्रोसेस शुरू किया। अब तक इन राज्यों से करीब 400 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनकी की एपिडेमियोलॉजिकल लिंकेज इस क्लस्टर से पाई जा चुकी है, और इसके साथ ही एडिशनल टेस्टिंग भी चल रही है, जिससे हमें लगता है कि शायद और कुछ पॉजिटिव केसेस इस क्लस्टर से लिंक पाए जा सकते हैं। अब तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार तमिलनाडु से 173 लोग, राजस्थान से 11, अंडमान निकोबार से 9, दिल्ली से 47, पुडुचेरी से 2, जम्मू कश्मीर से 22,
तेलंगाना से 33, आंध्र प्रदेश से 67 और असम से 16 ऐसे पॉजिटिव कंफर्म केसेस पाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ये नंबर और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे केसेस सैंपलिंग की रिपोर्ट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, जैसे मेरे कुलीग ने बताया है, ऑलरेडी सेक्रेटरी होम साहब फेक न्यूज़ के बारे में स्टेट्स को लिख चुके हैं। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं आदेश अनुसार टेक्निकल डिटेल्स, ताकि सही सूचना लोगों को मिल सके, उससे संबंधित हम लोगों ने भी एक जॉइंट सेक्रेटरी और एम्स के डॉक्टर से मिलते हुए एक ग्रुप बनाया है, एक ईमेल आईडी क्रिएट की है जिसका एड्रेस है technicalquery.covid19@gov.in, जिस पर कि लोग अपने टेक्निकल डाउट जो हैं उसके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। और उसके तहत ही सुबह की इंफॉर्मेशन के हिसाब से करीब 900 लोगों ने उसमें ईमेल्स भी लिखी है, जिसका अब हम एनालाइज करके उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और गाइडलाइन, पर्टिकुलरली जैसे कि आप सबको अवगत है कि किडनी केसेस के रिलेटेड एक कोमॉर्बिड कंडीशन देखी गई है, तो किडनी केसेस में जो लोग डायलिसिस कर रहे हैं उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उनको क्या गाइडेंस फॉलो करनी है, उससे संबंधित गाइडलाइंस भी हम लोगों ने बनाते हुए अपनी वेबसाइट पर उन पेशेंट्स की गाइडेंस के लिए जारी कर दी है। इसके साथ ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे कि जितने भी हमारे रिलीफ कैंप हैं, जहां पर कि हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है हाउस्ड हैं, उनको प्रॉपर साइकोलॉजिकल साइकोसोशियल सपोर्ट मिले, उसके तहत आदेश जारी करने के साथ साथ घर में रहने वाले जो हमारे एल्डरली हैं और इसके साथ ही जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस से निपटने के लिए क्या पब्लिक मेजर्स उन्हें लेने चाहिए, उसकी भी गाइडलाइंस हमने इशू की हैं। इसके साथ ही जब हम ये सब लॉकडाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 24 मार्च से लेकर अब तक 352 रेक्स, जिसमें कि 9.86 लाख मेट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन राइस और वीट को ट्रांसपोर्ट किया है देशव्याप्त तक। और इसके साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलो प्रति मंथ प्रति बेनिफिशियरी जो हमें राशन देना होता है उसके लिए फूड कॉरपोरेशन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। इसके साथ ही आने वाले 3 महीनों के लिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.35 करोड़ लोगों के लिए भी 5 kg पर मंथ पर बेनिफिशियरी की अतिरिक्त मांग को पूरी करने के लिए फूड कॉरपोरेशन पूरी तरह से तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने राज्यों को COVID-19 की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने राज्यों को जिलों के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट के प्रोसेस के रूप में कार्य करने को कहा। उन्होंने राज्यों से कहा कि अब हमारा फोकस टेस्टिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज पर रहे। राज्यों से उन्होंने हेल्थ केयर ह्यूमन रिसोर्स को अपग्रेड करने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर की ऑनलाइन ट्रेनिंग, और इसके साथ ही रिटायर्ड जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हों, और हमारे जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग होते हैं, जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी के जो वॉलंटियर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करके हर तरीके से एक फोर्स बनाई जाए फील्ड स्थाई पर, उसके लिए भी उन्होंने स्टेट से अनुरोध किया है। राज्यों ने बताया कि लॉकडाउन से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स और एनहांस सर्विलेंस राज्यों में एक बड़े फोकस्ड वे में कार्य हो रहा है, और विशेष रूप से माइग्रेंट वर्कर्स और जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनका प्रॉपर फॉलोअप, उनकी सर्विलेंस और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य बड़ी एक पकड़बंदी के तरीके से काम कर रहा है। राज्यों ने यह भी कहा है कि वह जैसे कि आदेश दिए गए हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि रिलीफ कैंप में साइकोसोशल सपोर्ट भी हो और एसेंशियल सप्लाईज प्रॉपर तरीके से सारे स्थाई पर उनको उसको प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए राज्य लेवल पर काम चल रहा है। राज्यों से इसके साथ ही डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, ICU बेड्स, क्वारंटाइन फैसिलिटीज, वेंटिलेटर्स और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के विषय पर भी डिटेल चर्चा आज हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों से एक चीज कही जो मैं आप सबको अवगत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि चाहे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन सामूहिकता ही हमारी शक्ति है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ये केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, उससे हमें मानना चाहिए कि इस महामारी से हमारी लड़ाई का जो युद्ध है वो अभी शुरू ही हुआ है, और देश का हर नागरिक, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक सैनिक के रूप में अलर्ट रहते हुए इस लड़ाई को उसने लड़ना है। मानव जाति के इतिहास में आज तक ऐसा
पूरा वर्ल्ड वाइड ऐसा संकट कभी देखा नहीं गया है और इस लड़ाई में हमें सभी का सपोर्ट आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शांति, एकता, सद्भावना और कानूनी व्यवस्था बनाए रखना अति आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि सभी विचारधारा, सभी आस्था के संबंधित लोग एक साथ जुटकर, मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ें। सभी धर्मों के जो लोग हैं वो मिलकर बैठें और अपने अनुयायियों को इस लड़ाई से बचने के लिए, इस लड़ाई से जीतने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित नियमों का पालन करने को कहें। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटे और साथ ही जो ये 21 दिन का जो आइसोलेशन की जो हमारी तपस्या है, हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे हमें इस तपस्या का फल ना मिले। हमें कलेक्टिवली इस लड़ाई से यशस्वी होकर बाहर निकलना है। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू जस्ट रिटेट एंड रिक्वेस्ट कि लेट अस कलेक्टिवली टेक दिस बैटल एंड डिलीवर ऑन द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आर कलेक्टिव मिशन टू विन दिस वॉर। थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले ऑनलाइन क्वेश्चन। मुंबई धारावी, वी विल प्रोवाइड यू द फिगर्स लेटर, प्लीज जस्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन। मुंबई धारावी स्लम में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हुई है, उसके बाद एरिया को सील किया गया है जिनमें 300 फ्लैट्स एंड 90 शॉप्स हैं। क्या उन सब की जांच होगी? सैंपल लेने का काम कब शुरू होगा? क्या ये कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म है? देखिए, जैसे आप सबको भी अवगत होगा कि मुंबई के धारावी बेल्ट में एक पॉजिटिव केस पाया गया जो विच ऑल्सो देर इज ऑल्सो रिपोर्टेड डेथ ऑल्सो। वहाँ पर 300 फ्लैट्स हैं, 90 शॉप्स हैं आसपास। उस बिल्डिंग को सील किया जा चुका है। उस पर्टिकुलर जो कॉलोनी है उसमें फैमिली मेंबर और जो बिल्डिंग के जितने रेजिडेंट हैं उनका सैंपल कलेक्शन चल रहा है और प्रोटोकॉल के हिसाब से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम भी शुरू हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 4000 हेल्थ वर्कर्स ट्रेसिंग और टेस्टिंग से रिलेटेड कार्यों में भी जुड़े हुए हैं और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर केस में भी एक्शन लिया जा रहा है। नीरज, न्यूज 18। सर, जो पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स है और जो हॉटस्पॉट्स हैं उनकी संख्या 20 और 22 के आसपास है, क्या कहाँ कहाँ है, कोई लिस्ट आपकी तरफ से दी जा सकती है? और दूसरा सवाल मैम से है, जो तबलीगी जमात के लोग हैं उनमें से जो फॉरेनर्स हैं उनमें कितने लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने वीजा नियमों का उल्लंघन किया? जैसे हॉटस्पॉट्स के बारे में सर मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि हॉटस्पॉट्स हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जहाँ पर भी कोई केस पाया जाता है वो हमारे लिए, वो एरिया हमारे लिए हॉटस्पॉट बन जाता है और उस पर हम कंटेनमेंट मेजर्स अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से लेते हैं। और उसी के साथ ही अगर उस पर्टिकुलर एरिया में नॉट ओनली सिंगल केस, अगर उससे रिलेटेड और कलेक्टिव केसेस पाए जाते हैं तो टू दैट एक्सटेंट हमारा इंटरवेंशन उस एरिया में बढ़ जाता है। इस कंटेक्स्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपको कोई बता रहे हैं कि 20 हॉटस्पॉट्स हैं या 40 हॉटस्पॉट्स हैं, ये फिगर इतनी वाइडली वेरिंग है कि जिस तरीके से अगर हमारे केसेस किसी एरिया में बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से हम लोगों का इंटेंसिव एक्शन एज वेल एज नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स चेंज हो जाते हैं। अनदर ऑनलाइन क्वेश्चन, कैन कोविड स्प्रेड थ्रू ग्रोसरी एंड वेजिटेबल पैकेट्स? सो जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। सी बेसिकली जैसे आप सबको मालूम है कि हम कहते हैं कि कोई भी जर्म्स, जब भी हम कभी सब्जी भी लेने जाएं, कभी मार्केट जाएं, तो किसी भी सरफेस पर कोई भी जर्म हो तो उससे रिलेटेड हमें सबसे पहले कार्य क्या करना चाहिए कि जो भी सब्जी हम लाएं उसको ढंग से धोएं, अच्छे ढंग से धोते हुए उसको बॉयल करके उसको तरीके से खाएं। तो दिस इज एज फार एज मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ हमें उस सब्जी को कैसे इस्तेमाल करना है, ढंग से धोना है, ढंग से सफाई करनी है और प्रॉपर बॉयल करके इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही कि अगर उसके ऊपर कोई जर्म्स हैं तो नॉट ओनली कोविड-19, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो तो हम हमेशा आपको एडवाइस देते हैं कि आप प्रॉपर हैंड हाइजीन रखें, अपने हाथों को ढंग से साफ करें और उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करें किसी भी चीज़ को। अनदर क्वेश्चन, अनीश यू एंड आई। हेलो सर, जिस तरह से पिछले 4-5 दिन में केसेस बढ़े हैं तो उसमें आप अपने टेस्टिंग प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस ला रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन है सर, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स पे जो अटैक हो रहे हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये है कि कितने डॉक्टर्स ये इन्फेक्टेड हैं, इसका कोई डेटा मिल जाए? सर, कल तक के डिटेल्स के अनुसार जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड में कुछ केसेस आए हैं जिसमें कि डॉक्टर्स और उनसे एसोसिएटेड लोगों को इन्फेक्शन पाया गया है
उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उस तरीके से हैं कि जिसमें एक डॉक्टर इन्फेक्टेड थे जो मेडिकल ड्यूटी पर ना होते हुए भी उन्होंने अपने रिलेटेड लोगों को इन्फेक्ट किया है। लेकिन इसके साथ ही जैसे इससे पहले आपने पूछा था, कुछ केसेज ऐसे भी आए हैं जो कि अगर उन्होंने ड्यूटी पे होते भी बहुत लिमिटेड केसेज हैं जो उन्होंने इन्फेक्ट किया है। इसी से लिंक्ड इशू है, जब हमेशा कहते हैं कि हम स्टेट्स के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, एम्स के थ्रू भी ट्रेनिंग कराते हैं, कि आप हमेशा हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फेक्शन पर ध्यान दें, रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लें। इससे आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, मैं आप सबकी नॉलेज में फिर से लाना चाहूँगा कि जब हमने जनता कर्फ्यू इम्प्लीमेंट किया था तब हमने बड़े स्पेसिफिकली एक रिक्वेस्ट की थी और जिसको पूरे देश ने स्वीकारा था, वह यह थी कि जो आज हमारे लिए सेवा कर रहा है, हर तरह के इन्फेक्शन के खतरे को उठाकर काम कर रहा है, हर सिचुएशन में हमारे लिए खड़ा है जब चारों तरफ भय का माहौल फैल सकता है, वह डॉक्टर और वो हेल्थ कर्मी, उनको हमें अपनी जिसे कहते हैं कि कृतज्ञता दिखानी है, और जिसके तहत हमने उन लोगों को अपना धन्यवाद भी दिया था। अगर उसके अगेंस्ट, उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट देश में कहीं पर भी कोई एक्शन होता है, कहीं पर भी कोई किसी भी जो हेल्थ कर्मी उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है। हमें सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि कोई भी ऐसा कार्य न करें, हमें अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स की हेल्प चाहिए, वो हमारे लिए फ्रंट में रहकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उनके सपोर्ट से ही आगे बढ़ना है। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें अभी आज की स्थिति क्या है, कोरोना वायरस के मद्देनजर देश कितना तैयार है और क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, उसकी जानकारी यहां पर दी गई। जो बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आपको बता दें, ये बताया गया कि प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात की है। जनवरी ऑनवर्ड्स हम इस पर लगे हैं और उसके तहत ही काफी कुछ इस समस्या को सुलझाया भी जा चुका है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जैसे अगर हम पीपीज के बारे में बात करें, हमने करीब 1.5 करोड़ पीपीज के लिए, उससे ज़्यादा उसके लिए हमने ऑर्डर्स भी प्लेस किए हैं और अब पीपी सप्लाई होना भी शुरू हो चुका है। और अगर हम देखें तो जिस तरह से हमें सप्लाई शेड्यूल मिला है, आने वाले कुछ समय में ये प्रॉब्लम हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाएंगे। इसके तहत ही जो पीपीज हमें अब तक सप्लाई हुए थे, उन पीपीज को हमने जिस जिस स्टेट में जितने केसेज आए हैं उनके हिसाब से अनुभाग करते हुए उनको स्टेट में सप्लाई भी कर दिया है। इसी तरीके से N95 की, जबकि पीपी की समस्या थोड़ी ज़्यादा तीव्र है, लेकिन N95 की समस्या के लिए हमने अभी तक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, साथ में करीब 1 करोड़ प्लस हमने N95 मास्क के ऑर्डर भी प्लेस किए हैं, कुछ हद तक हमारी सप्लाई शुरू हो गई है। बाकी N95 मास्क के लिए सप्लायर्स ने हमें डिटेल शेड्यूल भी दे दिया है और उसके तहत जो हमारे पास N95 अभी तक स्टेट लेवल, कंट्री लेवल पर अवेलेबल थे, उनको हमने केसेस के हिसाब से हर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर शेखर गुप्ता प्लीज। टेस्टिंग प्रोटोकॉल अभी जो है उसमें अभी तक बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो नए टेस्ट आ रहे हैं उसकी वजह से जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल बदल सकता है उसके ऊपर चर्चा, इस वक्त मैं आधे मीटिंग में से आया हूँ तो उसके ऊपर चर्चा चल रही है, वो कल सवेरे तक लग जाएगा। मिस्टर शेखर गुप्ता लास्ट क्वेश्चन सर। या प्लीज नो क्रॉस क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन इज कमिंग। सर, ऑफ द पेशेंट्स दैट वी हैव इन इंडिया, हाउ मेनी आर ऑन वेंटिलेटर, हाउ मेनी हैव नीडेड द वेंटिलेटर, एंड सेकेंड, इज देयर अ बेसिक डिफरेंस इन द वे this infection is spreading in India compared to other countries where this has taken place? Sir, we have not seen any major change in terms of how the infection has spread in India vis-a-vis other parts of the world. It is an infectious disease that has followed similar pattern. With respect to ventilators, again, world norms as well as what is happening in India, we realize that approximately around 80% people will have very less symptoms. 20% people may have severe or critical symptoms, and within those severe cases also 5% may require ventilator support. Thank you very much. Yeah.